साइकोलॉजी ऑफ कलर्स, ये आपने पहले कभी सुना है आप में से किसी ने पहले? इट्स अबाउट कि कलर से क्या माइंड पे इफेक्ट होता है. चले अभी आपको बताते हैं. जनरली जो कलर्स है ना, दे आर वेरी यू नो, आपके माइंड पे हर कलर का एक डिफरेंट इम्पैक्ट है. आप उसको जनरलाइज नहीं कर सकते. आप जैसे येलो हो गया, इफ आई से येलो, तो आप येलो से आपके माइंड में क्या आता है सबसे पहले? एनर्जी. हाउ? आपकी उसकी उससे पहले किसी चीज से एसोसिएशन होगी जिसकी वजह से आपने उस कलर को, सूरज की वजह से, गोल्ड सूरज की वजह से, वो एक एनर्जी सोर्स है हमारे लिए. तो हम नेचुरली येलो को, और येलो सिट्रस को भी कहते हैं, आई मीन उसमें सिट्रस वाला एलिमेंट भी है. हर कलर के पॉजिटिव एंड नेगेटिव फैक्टर्स हैं, ये मैं आपको पहले बता दूं. कोई कलर 100% पॉजिटिव भी नहीं है और कोई नेगेटिव एंड पे भी नहीं है. नो कलर इज बैड, ऑल कलर्स आर फाइन इफ दे आर यूज इंटेलिजेंटली. ठीक है, तो इसने इमोशनली कलर्स को डिवाइड किया. वो कैसे? द पिंक कलर के ऊपर देखें, लव, काम, सेंसिटिविटी, फेमिनिटी, नर्चर, ये सिंबलाइज करता है ये कलर जहां भी यूज होगा. इसी तरह ग्रीन को देख लें तो ये जनरली ऑफिस में बहुत यूज होता है, लाइब्रेरीज में यूज होता है. क्यों? बैलेंस, ग्रोथ, नेचर, मनी, फर्टिलिटी. वेर एवर यू आर डूइंग बिजनेस, तो मेरे हमें सबसे अच्छी इंटेलिजेंट यूज है कि आप इस कलर को यूज करें. ये बहुत इंपैक्ट करता है आपको अनइंटेंशनली, आपको पता भी नहीं चलेगा. सिमिलरली सारे बाकी कलर्स भी, और जो व्हाइट है सिंबलाइज प्योरिटी, क्लीन वाटर इज क्लीन, इवन ब्लू स्काई, ब्लू का बहुत एक लॉयल्टी और इस तरह की सिंबलाइज करता है. क्योंकि हमारी, हमने बचपन से लेके अब तक जो जिंदगी गुजारी है, हमारी नेचुरली हर कलर से एक डिफरेंट एसोसिएशन बन जाएगी. इधर बैठे हुए जितने भी लोग हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि अगर मैं रेड का कलर बोलूंगी तो उन सब के लिए रेड का मतलब एक जैसा होगा. ऐसा हो नहीं सकता. हर लाइफ की एक्सपीरियंस आपके लिए काउंट करता है. कभी आपने रेड को किसी रूप में देखा है खून के तरह, कभी आपने डेंजर में देखा है, कभी आपने लव एक फ्लावर में देखा है. ठीक है, आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस बहुत काउंट करते हैं कलर को समझने के लिए. जी बिल्कुल, शादी के लिए यूज होता है जी, दुल्हन के लिए. बहुत सी जगह पे व्हाइट यूज किया जाता है ब्राइड के लिए, वो सेलिब्रेट, और कई जगह बेवा के लिए व्हाइट यूज किया जाता है. सो हर कल्चर में डिफरेंट है इसकी एसोसिएशन. सो एसोसिएशन इज आपको जो लाइफ एक्सपीरियंस, इट डज मैटर अलॉट. ग्रे, जनरली ग्रे को देखे इट्स अ वेरी डल टोन, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि हमेशा डल टोन के ऊपर देखा जाए. इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल न्यूट्रल टोन. इट गिव्स सिक्योरिटी, कामनेस, और कई ऐसी फैमिली, ये देखिए आप एक लिविंग एरिया आपको नजर आ रहा है, सब बहुत मजे तरीके से सटल तरीके से उसने उसको बैलेंस किया है. हाउ? क्योंकि लिविंग एरिया कुछ घरों में जहाँ बहुत क्राउडेड होते हैं, जिसमें बहुत बच्चे भी होते हैं, अब जनरली अगर आप नोट करें कि बहुत ज़्यादा शोर भी बहुत ज़्यादा होता है, उसको अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं ना जस्ट बाई यूजिंग कलर, यू कैन डू इट. आपका वही स्पेस एक, यानी ये फैमिली रूम है, ये वही उसी तरह यूटिलाइज होगा, बट उसके सिर्फ एक कलर चेंज ने उसका पूरा मूड चेंज कर दिया. क्योंकि यूजर हर तरह का, वहां एक बूढ़ा भी बैठेगा, जवान भी बैठेगा और बच्चा भी होगा. उसको बैलेंस आउट, बहुत एक्साइटमेंट को बैलेंस करने के लिए बिना हम ये कलर यूज करते हैं. एंड इट्स अ वेरी सिक्योरिटी की फील आ रही है इससे. रेड, रेड सिंबलाइज लग्जरी, पावर, क्रिएटिविटी, और इसको लाइब्रेरीज में यूज किया जाता है. इट्स वेरी ड्रामेटिक, इससे बहुत आप ड्रामेटिकली आप इसको यूज कर सकते हैं मूवीज में. आप लोग, मैं मूवीज का नाम इसलिए लेती हूँ कि वहां भी एक सीन क्रिएट किया जाता है. इट्स लाइक एन इंटीरियर डिजाइन थिंग. हाउ? कि आपको एक अगर ड्रामा का सीन भी नजर आ रहा है तो वो इट्स अ वेल डिजाइन स्पेस. उसकी लाइटिंग, उसका कलर, उसमें वो क्या दिखाने जा रहे हैं, वो वैसी टोन उस मूवी में यूज करेंगे. उस सॉन्ग में वही टोन चल रही होगी जिस पे वो एम्फसाइज, अगर वो दुख को दिखाना चाह रहे हैं तो कलर टोन्स पूरी मूवी की चेंज हो जाएगी, उसकी बैकग्राउंड चेंज हो जाएगी. सो कलर का इम्पैक्ट बहुत स्ट्रांग है. आप रेड को बहुत ओवरली ब्राइटन आप पूरा रूम कर देगा, वो एक आपको, वो भी एक आपको क्लॉस्ट्रोफोबिक कर देगा. ठीक है, रेड की सही यूटिलाइजेशन, राइट अमाउंट ऑफ रेड इज फाइन. और लग्जरी फैब्रिक्स में, जैसे कि वेलवेट में यूज किया हुआ है इन्होंने सोफाज में, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल वे ऑफ यूजिंग रेड कलर. ब्लैक,
Black generally people don't like to wear, but कुछ लोग party wear भी है. सबसे ज़्यादा safe play जो होता है, लोग कहते हैं कि celebration में या parties में वो लोग black पहनते हैं. Why? Celebrities पहनते हैं. It's the safest color. ये एक luxury, ये एक glamour को भी show करता है. It has its own dark side, but it's at the same time ये glamour को show करता है. इसका impact बहुत strong होता है. ये कैनवस दे देता है, कैनवस ही नहीं एक ब्लैंक स्पेस देता है. इसके ऊपर आप कोई भी कलर लगा दो, चाहे वो पिंक है, रेड है, एनीथिंग, वो उठेगा, वो एम्फेसाइज होगा. ये इतनी डेप्थ दे देता है किसी भी बैकग्राउंड को. किसी भी पेंटिंग में आप सिर्फ ब्लैक ही देख लें या किसी कपड़े पे ब्लैक की बैकग्राउंड हो, उसके ऊपर आप कुछ भी रखेंगे तो वो उठेगा. ये यूज होता है इंटीरियर्स में एम्फेसाइज करने के लिए. एम्फेसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट एट द सेम. कभी कभी आप बिल्कुल जहां पे आंख ना रुके, आपकी आप यूं गुजर जाते हैं. कई दफा आंख को रुकवाया भी जाता है टू फोकस ऑन समथिंग. फिर आप ऐसी बैकग्राउंड क्रिएट करते हैं. आप ये पेंटिंग देख रहे हैं, इस पेंटिंग का सारी जान इसके बैकग्राउंड में. और इसी तरह ये जो फर्नीचर है, इसकी एक एक डिटेल पे फोकस जा रहा है. इट्स वेरी इंट्रिकेट एंड वेरी ब्यूटिफुली डिजाइन फर्नीचर. पर्पल, पर्पल जो कलर है ना, जनरली फीमेल्स के साथ एसोसिएट करते हैं. बॉय वेरी फेमिनिन, जहाँ बच्चियों का कमरा ले, बच्चियों से रिलेटेड. या इसको बड़ा एक क्लिशे अब डेवलप हो चुकी है ओवर द टाइम, विच इज़ वेरी रॉन्ग एक्चुअली. आपने ही रेडी टू गो इफ यू वॉन्ट टू डू समथिंग अमेजिंग, आप वहाँ पर ये कलर यूज़ करें. जैसे एंट्रेंस हॉल्स में यूज़ किया जाता था, रोमन्स भी यूज़ करते थे ये कलर को. तो ये एकदम से ना आपकी क्रिएटिविटी या आप जो जिस एम्बिशन के लिए जा रहे हैं उसमें एक थ्रो, एक आपको और जोश और वलवला डालता है. इसमें ग्रोथ है. पर्पल की एक बहुत जितना ये फेमिनिन लाइटर टोन्स में, अगर इसी को मैं डीप कर दूंगी, आई मीन इसमें ह्यू डाल दूं, यानी यही डीप पर्पल हो जाएगा, तो इट वुड गिव अ मैस्कुलिन साइन, मैनी मर्दाना किस्म की उसके अंदर उसका एक्शन हो जाएगा. ब्राउन और बेजेस जनरली हमारे घरों में बहुत ज़्यादा यूज़ होना शुरू हो गए, क्योंकि मॉडर्न मूवमेंट के बाद इस पर बहुत फोकस हो गया. ये एक्चुअली सबसे ज़्यादा रिलैक्सिंग कंफर्ट प्रोवाइड करता है ये कलर, और एक सपोर्टिव इसकी फील आती है. क्यों आती है? ब्राउन को हम एसोसिएट करते हैं अर्थ साइंस से, मट्टी दुनिया. इसमें आप रह रहे हैं ना, इट्स अ वेरी सिक्योर प्लेस टू लिव इन. ठीक है, इस मट्टी से जो हमारी एसोसिएशन है ना, वो हमारे ब्राउन कलर में भी आती है. हम शायद मट्टी का एकदम सोचेंगे भी नहीं, ब्राउन कलर को सोचें, पर हमारे बैक ऑफ द माइंड हमारे ये सारी सोचें इकट्ठी हुई हुई हैं, और वो हमें एक इमेज और एक फील देती हैं इसको देखते ही. तो ये जनरली बेडरूम्स में यूज़ किया जाता है. अगर आपने कहीं लिविंग रूम्स हैं कोई जहाँ पे उसको आप यूज़ कर सकते हैं. ये लाइट उसमें ये भी नहीं है कि आप एक टोन यूज़ करें, ब्राउन की प्ले आप करो. अगर आपने सिर्फ ब्राउन ही सिलेक्ट कर लिया है तो ब्राउन में लाइटर टू डार्कर प्ले करें. कहने को वो ब्राउन ही होंगे, बट जब आप उसी में आप डिफरेंट टोन्स यूज करेंगे ना, तो आपको कुछ इंटरेस्टिंग नजर आना शुरू होगा. आप ये देख सकते हैं कि इसमें इट्स अ वेरी इसमें कंफर्ट एंड लव वाला एलिमेंट कैसे डाला गया, जस्ट बाय पुटिंग दैट डबल काउच ओवर देयर. एक काउच के आ जाने से और उसमें वो लाइटर बेस होने से उसने एक फील ही और कुछ बदल दी. एज अ कपल का ये रूम यूज किया गया. पिंक, पिंक जनरली इज बीइंग यूज फॉर यंग गर्ल्स. ठीक है, ये भी फेमिनिन है, बट ये एक बड़ा खूबसूरत ब्लूमिंग, जैसे फूलों से आप इसे एसोसिएट करते हैं, पेटल्स के साथ एसोसिएट करते हैं. कहीं भी आपने फ्रेशनेस लेके आनी है ना किसी डल स्पेस में, यू कैन पुट पिंक समथिंग ओवर. उसमें आप स्मार्टली ये कर सकते हो कि उसके में आप वॉलपेपर लगा दो पिंक, वेरी लिटिल यूज ऑफ. और कई फ्लावर वास भी पिंक यूज हो सकता है कि आप उसमें फ्लावर्स ऐसे लगा दो, या लैम्प का जो बेस है वो पिंक कलर का हो. अ वेरी मिनिमल यूज ऑफ पिंक, और उससे आप एकदम से स्पेस का मूड ब्लूमिंग हो जाएगा, थोड़ा फ्रेशनेस आ जाएगी और आपको खुद फील अच्छा होगा. वेरी लिटिल पिंक. येलो, अच्छा टू मच येलो के हक में मैं नहीं हूँ. सो अगर आप गलती से येलो किचन में यूज कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं. आगे आप फायर के पास हैं. सेकेंडली वो और हमारे यहाँ के टेम्परेचर में तो आग लगा देगा, तो वो बड़ी बैड चॉइस होगी. अब येलो आपने कहाँ यूज़ करना है, कितना यूज़ करना है, ये बहुत बैलेंस बनाना पड़ता है. येलो को ज़रूरी नहीं कि आप प्योर येलो, जैसे यहाँ तो कर्टन्स बहुत अच्छे चेयरफुल लग रहे हैं,
हैप्पी फील आ रही है, इट्स अ हैप्पी इंटीरियर. बट ज़रूरी नहीं कि आप येलो इसी में देखें, येलो गोल्ड में भी हो सकता है, गोल्डन कलर, गोल्ड मेटल में लैम्प्स, मेटालिक टेबल हो सकती है आपकी, कोई एक एलिमेंट जो है ना गोल्ड का या सन का या येलो आने से क्या होती है एनर्जी, एनर्जी बूस्ट होती है उस स्पेस की. इसमें आपने लैम्प देखें कि जो फ्लोर स्टैंडिंग लैम्प्स पड़े हुए, ये भी मेटल में है, ये एक सिम्बॉलिकली प्लेस किए गए. अब इसमें से जब लाइट निकलेगी तो वो एक डेड या किसी भी कॉर्नर को लाइटन अप कर देगा, उसका एक इफेक्ट ही दूसरा होगा. ग्रीन को एसोसिएट हम नेचर से करते हैं, लीव्स, जंगल, दरख्त. जितना आप नेचर के करीब जाएंगे ना, आपको उतना सुकून आना शुरू होगा. एक्चुअली हम अब कॉन्क्रीट बॉक्सेस में बंद होकर रह गए. देखा जाए तो मैं किस, हम कहाँ कहाँ बैठे हुए, कॉन्क्रीट का बना हुआ कमरा. इंसान पहले ऐसे नहीं रहता था, मिट्टी के घर थे, मिट्टी की ड्वेलिंग्स थी, नेचर के करीब था, जानवरों के करीब था, दरख्तों के पास था, नेचुरल खाता था, नेचुरल रहता था. ये हमारी ह्यूमन नेचर है, अल्लाह ने हमें बनाया नेचर के पास ही है. ये हमने बाय चॉइस क्रिएट किए हुए ये बॉक्सेस. हम इसको अब, ये तो नहीं मैं कह रही कि आप जाके अब जंगलों में चले जाएं, नॉट एट ऑल. तो हम इस नेचर को कैसे इंटेलिजेंटली यूज कर सकते हैं, कैसे, वो आजकल आपने देखा होगा मेडिटेशन पे लेसन होते हैं कि मेडिटेट करो, ग्राउंडेड होना जरूरी है. आप घास पे आधा घंटे से चल लो तो आप, यू विल, ये एक्चुअली क्योर यूज होता है आप स्ट्रेस के लिए, एंग्जाइटी के लिए इसको यूज किया जाता है, इस थेरेपीज यूज होती हैं. क्यों? क्योंकि आपकी एक नेचर में है, आपकी बॉडी इज मेंट टू बी लाइक दैट. यू हैव टू गेट क्लोज टू द नेचर. उस नेचर को हम कैसे लाएंगे? थ्रू प्लांटेशन ला सकते हैं, थ्रू लाइट ला सकते हैं. अब तो लाइट से तो लोग ऐसे खिचकाते हैं, पता नहीं क्यों, विंडोज क्लोज, हर ब्लाइंड्स ऐसे हैं जो डेड किस्म के ब्लाइंड्स लगा देते हैं. व्हाई? यू आर गेटिंग यू नो अवे फ्रॉम द नेचर. तो आप बीमार भी हैं, आप स्ट्रेसफुल भी हैं, आप एंग्जाइटी भी हैं, हर दूसरा बंदा डिप्रेशन का मरीज है. दिस इज बिकॉज वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग आर यू नो होल सेटअप, कि हम कैसे बनाए गए, हमारी जरूरियात क्या है. इसी तरह इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से वेलवेट में ग्रीन को यूज किया. देखिए हमारे यहाँ बहुत प्रिंट्स यूज हो रहे हैं. सो गाइस प्लीज प्रिंट से निकले, पहले सिंपलिसिटी से इंट्रिकेसी की तरफ जाते हैं, कि पहले सिंपल से आप थोड़ा इंट्रिकेट में जाओ और ओवरडू ना कर दो. हमारी आंख हर चीज नहीं देख सकती. इधर बैठे हुए बहुत से लोगों ने प्रिंट पहने होंगे, मैं नहीं शायद सब पे फोकस कर सकती, पता नहीं इसने क्या पहना है, इसने क्या कलर भी मैं आइडेंटिफाई नहीं कर सकती. द मल्टीपल कलर्स विद इन अ वन प्रिंट, तो वो क्या होता है कि उसमें फोकस हट जाता है, आपकी आंख वो चीज इग्नोर कर देती है, डिसमिस कर देती है, वो चीज बिल्कुल आपके माइंड में कोई इम्पैक्ट नहीं छोड़ती. जितनी चीज सिंप्लीफाइड होगी, इम्पैक्टफुल होगी, कलर क्लियर होगा, क्लियर विजन होगी, उतना ही वो माइंड पे पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ेगा. सो प्रिंट्स को नो नो कर दें, और अगर यूज भी करने हैं तो उसको सही तरीके से यूज करें. ब्लू, ब्लू एक लॉयल्टी को शो करता है, स्टेबिलिटी को शो करता है. जनरली ये भी मैस्कुलिन समझा जाता है, इसीलिए शायद, क्यों, आसमान, समंदर का रंग, पानी का डेप्थ, जितनी डेप्थ होता जाएगा उतना वो ब्लू वाटर ज्यादा ज्यादा ब्लू होते चले जाएंगे. सो ये देखिए कि इसने ब्लू वॉल्स नहीं कर दी, इसने कैनवस क्लियर किया, सबसे पहले सफेद कर दी दीवारें, इसने फ्लोर को सफेद कर दिया, इसने फिर ब्लू सोफा प्लेस किया है, एंड 2 to 3 फ्लावर्स ओवर देयर, जस्ट दैट्स अबाउट इट. अब जो आप कलर्स का इतना पूछ रहे थे, तो हम कॉम्बिनेशन कैसे बनाते हैं, तो देर आर डिफरेंट थ्यूरीज विच वर कमिंग, के न्यूटन ने एक थ्यूरी दी, एक व्हील बना दिया, उसको रिजेक्ट करने वाले काफी लोग आ गए, फिर एक नेक्स्ट थ्यूरी क्रिएट हुई. तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कलर्स इनोवेट होते रहे. पहले कलर सिर्फ एक पॉइजन था, कि चूहे मारने वाली दवाइयाँ, और उसमें कलर्स यानी हमेशा से पॉइजनस रहे हैं. जो जब रेड कलर इनोवेट हुआ, ब्लैक हुआ, या डिफरेंट कलर्स जब नए नए पेंटिंग्स में भी यूज होना शुरू हुए थे ना, सबसे पहले कलर्स आए कहाँ से? तो कलर का जब पिगमेंट्स दे वर हाईली डेंजरस. बाज़ुकात कोई एक पेंटिंग बना के पेंटर इन्हीं सालों बीमार भी रहता था, क्योंकि उसके फ्यूम्स उसकी आंखों में आए होते थे, उसके हाथ पे वो सारा पॉइजन लगा होता था. तो उस पेंटिंग की वैल्यू आप, वो जो म्यूजियम्स में लगी हुई हैं,
तो उसकी वैल्यू इसलिए भी वो वैल्यू ऐड हुई कि वो उस कलर में ग्रीन में जब नेचर क्रिएट हुआ तो ग्रीन में उसने पेंटिंग बना दी. तो कलर की एक हिस्ट्री बहुत डीप है, उस पर भी पूरा एक लेक्चर हो सकता है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री. तो कलर्स फिर उसने, अभी मैं सिर्फ कॉम्बिनेशन से बात करूंगी कि न्यूटन ने जब एक दफा देखा कि प्रिज्म का एक्सपेरिमेंट अक्सर आप लोगों ने साइंस लैब में किया होगा कि सात रंग नजर आते हैं या कोसे कजा के जो सात रंग होते हैं, तो उसी रंगों से उसने एक क्रिएट किया व्हील. ठीक है, उसको उसने बेसिक बना के उसने कॉम्बिनेशन सिखाए कि कैसे कैसे आप इनको. अच्छा, कलर सिर्फ इंडियन में नहीं यूज हो रहे, आपकी हर चीज में यूज हो रहे हैं. द बुक्स यू रीड, द टेक्स्ट यू रीड, द इमेजेस जो बच्चों को दिखाए जाते हैं उसमें भी कलर साइकोलॉजी यूज होती है. ये जनरली उसे एक बनाया था. असल में जो रंग है ना, सिर्फ तीन बेसिक कलर्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं. वो कौन से हैं जी बताएं? हाँ, वेरी नाइस. ये बेसिक कलर हैं जो असल में आपको प्योर फॉर्म में मिलते हैं. इन्हीं कलर्स के आपस में मिक्सिंग से तीसरा रंग निकलता है. जी आप तो बहुत, आप तो आप नाम लें कंप्यूटर में तो अब सो तो आप किसमें, आपको कलर्स रोज के रोज इनोवेट भी हो रहे हैं. ब्लैक ही मल्टीपल टोन्स हैं जो सिर्फ ब्लैक ही खिलाई जाती है, पर ब्लैक के कलर्स के फिर वो नाम रखना शुरू हो गए. कलर पे बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो चुकी है. ये बेसिक मैं आपको एक स्ट्रक्चर बता रही हूँ कि जैसे वॉयलेट ऑरेंज एंड ग्रीन, इसको हम सेकेंडरी करेंगे. ये देखिए प्राइमरी कलर सिर्फ तीन है, उसके बाद सेकेंडरी कलर है, फिर इंटरमीडिएट और टर्शरी. कॉम्प्लीमेंट्री हर वो कलर जो उसके ऑपोजिट है. येलो के ऑपोजिट है वॉयलेट. अब आप कह रहे होंगे कि ये व्हील का हमें क्या फायदा. ये व्हील बहुत अच्छे तरीके से फैशन इंडस्ट्री में और प्रोडक्ट के डिजाइनिंग में ये व्हील यूज होता है, आज भी यूज होता है. हाउ? ये प्राइमरी कलर्स पे बेस इंटीरियर है, रेड ग्रीन ब्लू. तो इसको देखते ही प्राइमरी कलर बेस्ड इंटीरियर टाइप करो तो आपको ये चीज नजर आएगी. ये आप देख रहे हैं, साथ में ये एक मूड बोर्ड किसी फैब्रिक का है. ठीक है, पेंटिंग से उन्होंने इंस्पिरेशन ली है. इट इज यूज इन ग्राफिक डिजाइन में, सिरेमिक डिजाइन में, डिजाइन की जितनी फील्ड्स हैं आपकी, जो फिल्म इंडस्ट्री से लेके जितना भी आपको ग्राफिकली आपके एड्स बनते हैं, एड्स में बहुत इंटेलिजेंट यूज ऑफ कलर होता है कि क्या आपको चीज क्या कैची है, क्या कलर आप किसके साथ देखेंगे तो आप फोन अट्रैक्ट होंगे उसकी तरफ. तो वो टेक्निक यूज की जाती है यहाँ पे. ये आप देख रहे हैं, दिस इज अ सेकेंडरी कलर का पैलेट. और ये देखिए फैशन इंडस्ट्री में, फैशन शोज में वही चीज आपको कितनी मजे की लगना शुरू हो जाती है, बिकॉज कुछ राइट यूज ऑफ कलर विद अ राइट कॉम्बिनेशन. और नेचर में अल्लाह ताला ने नेचुरली बहुत खूबसूरत पैलेट्स बनाए हुए. अगर हम न्यूटन के ये वाला व्हील ना भी देखें तब भी आप अगर नेचर में से कोई भी पिक्चर लोगे तो उसमें अल्लाह ने कॉन्ट्रास्टिंग कलर भी डाल दिया, इंटरमीडिएट भी डाला है और प्राइमरी भी डाला है, बट इन अ राइट बैलेंस. कई जगह उसने सिर्फ मिडल इंटरमीडिएट, एक होता है एनालॉगस कलर्स, एक ही रंग की छह तीन चार टोन्स, जैसे मैं ब्राउन के बारे में बोल रही थी, उनको अगर राइटली यूज करें तो वो भी एक बहुत खूबसूरत सीनरी बना सकते हैं. ऐसी बहुत सी मिसालें, कॉफी बीन्स आप इकट्ठे पड़े हो तो आप उनकी पिक्चर लो और उनको सिर्फ आप पेंट करना शुरू करो, आपको पता चलेगा एक ही रंग के अंदर 100 रंग छुपे हुए हैं, पर कलेक्टिवली वो एक ब्राउन ही नजर आएगा. ये टर्शरी कलर्स देखिए, एक ही टोन को डीप डाउन कर ले तो क्या इफेक्ट नजर आ रहा है, एक इल्यूजन क्रिएट होती है विच इज वेरी इंटरेस्टिंग. ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस स्कीम में जाना चाह रहे हैं. कॉम्प्लीमेंट्री इज वेरी, यू नो, इट नॉट ईजी जितना ये लग रहा है. कॉम्प्लीमेंट्री टोन्स आर वेरी अट्रैक्टिव, वेरी इंटरेस्टिंग एट द सेम टाइम, बट उसको क्रिएट करना और उसको वो एक्चुअली वो एम्फेसाइज और फोकल पॉइंट बनाता है किसी भी चीज का. उसको आप कैसे प्ले अप राइट अमाउंट में यूज कर सकते हैं वो सारा थोड़ा सा मुश्किल होता है. वैसे कॉम्बिनेशन इज वेरी इंटरेस्टिंग. देखिए हम ब्लैक बैकग्राउंड उसने यूज किया, तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स आर द पर्पल एंड वो ऑरेंज येलो. नेचर जो मदर नेचर है, आपके दरख्त पौधे हर चीज, ये अल्लाह ताला ने बड़ी ज्योमेट्रिकल पैटर्न से बनाई हुई है. ज्योमेट्री जनरली हम किसे कहते हैं, जो मैन मेड ज्योमेट्री होती है, जैसे हमें बचपन में रेक्टेंगल ट्राइंगल सर्कल्स ये बताए गए थे,
ठीक है, उसके ऊपर बेस करके हमने बहुत सी ज्योमेट्री में डिफरेंट शेप्स इवॉल्व कर ली, डिफरेंट पैटर्न्स इवॉल्व किए. तो आप बड़ा हैरान होंगे इस बात पे कि आप अगर नेचर को स्टडी करो, अगर सिर्फ आप लीफ को भी माइक्रोस्कोप के नीचे देखो, या कुछ को भी एनीथिंग, फ्लावर की जो मेक है जिसके साथ वो पोलन्स लगे होते हैं, पेटल्स की जो मेक है और उस नंबर ऑफ पेटल्स जो अल्लाह ताला ने लगाए हैं, वो एक कैलकुलेशन के ऊपर बेस्ड होती है. वो उस कैलकुलेशन से ऊपर नीचे नहीं होता, वो एक बड़ा खूबसूरत पैटर्न बना देता है. पानी में जब वो पानी की लहर आती है और जो बबल्स बनते हैं, वो इट्सेल्फ कुदरत का एक पैटर्न है, वो एक पैलेट उसने आपको दे दिया. क्यों वो आंखों को सूज करता है, वो बड़ा टेक्निकल उसकी रीजंस है, उसकी ज्योमेट्री है. एक सेल के पीछे बहुत सी साइंस छुपी हुई है, एक प्रॉपर सिस्टम है. तो बहुत से जितने भी ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स हैं आपको नेचर में भी एग्जिस्ट करते हैं. अब ये स्टोन्स की मेक है जो ये जनरली बीचेस पे बन जाते हैं, जब पानी ऊपर से गुजरता है तो ये इस तरह से पैटर्न मिलता है. कई जगह पे आपको स्टोन्स का ये रफ टेक्सचर मिलता है, वो वाटर का कई दफा रिफ्लेक्शन पानी में ऐसा होता है. तो इट्स सेल्फ जितने भी पैटर्न्स आपको फैब्रिक में, जिससे जहां से ये वॉल्व एक्चुअली नेचर से इंस्पायर होके हुए. आप ये देख लें कि ब्यूटी ऑफ नेचर कितनी कलेक्टिवली और कितनी खूबसूरती से एक ही पैटर्न अल्लाह ताला ने डिफरेंट जगहों पे कहा कैसे कैसे इस्तेमाल किया. गैलेक्सी का एक पैटर्न है. इसी तरह टेक्सचर्स आपको अलग डिफरेंट चीजों में नजर आएंगे, मार्बल्स में नजर आएंगे, एनिमल स्किन्स में नजर आएंगे, और उनको बहुत ब्यूटीफुली अल्लाह ताला ने बैलेंस किया है पैटर्न को, कि किस तरह पे हाई टोन में जाना है, लो टोन में जाना है, पैटर्न का डिवीजन कैसा है. ये सारी वेल बैलेंस्ड होती है नेचर. आप इन्हीं एलिमेंट्स को कैसे यूज कर सकते हैं, इन्हीं में से आप किसी फ्लोरिंग का एलिमेंट उठाएंगे, इन्हीं में से आप नेचर के एक दो एलिमेंट्स उठा के जब आप डिजाइन करेंगे तो उस डिजाइन वो आम डिजाइन से जरूर हट के होगा और वो बैलेंस्ड होगा और वो आपको अच्छा भी लगेगा. नेचर एंड कलर पैलेट्स. अब पैलेट्स कैसे बनेंगे भाई, वो तस्वीरें भी आ गई, ये भी पता है नेचर में दरख्त इतने ज्यादा जंगल लगा हुआ बड़ा खूबसूरत लग रहा है, हम पैलेट कैसे निकालें, हमें कैसे पता चलेगा इसमें कौन कौन से कलर्स हैं. ये देखिए ये जंगल की तस्वीर है, तो इसमें ये टोन्स आप कलेक्टिवली देख रहे हैं. यही टोन्स मैं अगर फैशन डिजाइन में यूज करूंगी, ग्राफिक्स के लिए यूज करूंगी, या कहीं भी, ये एक कामयाब डिजाइन बनाएंगी. तो गिफ्ट ऑफ गॉड कह सकते हैं आप. इसी तरह ये वेनिस का एक तस्वीर है, इसमें एक कलर पैलेट नेचुरली निकल आया. आप अपनी तस्वीरें खींचते हैं उनमें से कुछ तस्वीरें आपको बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि इसमें राइट बैलेंस ऑफ कलर प्रोपोर्शन चीजों की बड़ी बैलेंस्ड होगी ना, तो वो तस्वीर भी क्लिक होती है कि वो देखने को बार बार दिल करता है. अब मूड बोर्ड्स कैसे बनते हैं, कि इसमें लीफ का पैटर्न लिया है और कैसे एक इंटीरियर की स्पेस डिजाइन होती है. पैटर्न्स हम वुड में स्टोन के साथ प्ले करके, मेटल के साथ प्ले करके, कारपेट्स, इट कुड बी एनीथिंग, बट टोन्स वो यूज करके, सॉफ्ट एंड हार्ड टेक्सचर्स यूज करके हम एक बहुत मजे का अच्छा डिजाइन दे सकते हैं.